इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में गुस्से का माहौल बना हुआ है। आज बेलगाम शहर में इंडियन मुस्लिम लीग और टीपू सुल्तान संघर्ष समिति की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए कहा कि आजकल मुस्लिम माशरे के खिलाफ जो चाहे बोल रहा है, किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों के जज्बात को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान समिति के आरिफ कटगेरी और मुस्लिम लीग के सदर दस्तगीर आगा ने बताया कि मुसलमान तमाम जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर सकता है, पर रिसालत नबियों में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा भारत को चाहिए कि फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करे, इसलिए कि भारत के मुसलमानों में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। मुल्क भर में फ्रांस को लेकर सख्त एहतजाज किए जा रहे हैं। कोरोना के मद्देनज़र कम तादाद में मुतालबा पेश करने की हिदायत इंतजामिया की जानिब से दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बनाकर शाया किया गया था, जिसकी हिमायत इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। दुनिया भर में फ्रांस के इस इकदाम पर सख्त एतराज जताते हुए मजम्मत की जा रही है। यह भी सच है कि भारत के वजीर आजम मोदी ने भी फ्रांस की हिमायत करते हुए साथ देने का वादा किया था। इस पर भी भारत के अकलीती तबके में नाराजगी का इजहार किया है। दुनिया में सियासत को चमकाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि इस्लाम पर हमला करो और अपनी हुकूमत इख्तदार तक पहुंचने की कोशिश करो। बहरहाल वो भारत हो या फ्रांस, दोनों तरफ भी एक तरह की ही सियासत की जाती है, ऐसा आवाम का कहना है। लिहाजा आज फिर बेलगाम शहर में फ्रांस के जो सदर फ्रांस हैं मैक्रोन, उनके मुखालफत में उनके खिलाफ यहाँ मुतालबा पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कुल हिंद नायब सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब। आज उन्होंने मुतालबा पेश किया, बताइए कि ये मुतालबा किस लिए? आज हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जानिब की तरफ से आज हम एक मेमोरेंडम सबमिट करें। हमारा ये मेमोरेंडम, हम एड्रेस जिसे कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हो, दोनों इसका मतलब ये क्यों होता है, जो जद्दा में उनका हेडक्वार्टर्स है उनको ये करें, क्योंकि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक नए अनाप शनाप बक रहे हैं। कोई भी एक नए आप जैसा बताया कि एक नए कि अपनी सियासत, गंदी सियासत चमकाने के लिए हुजूर के किसान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। तो ये हम एक नए OIC से एक नए हमें मुतालबा रखें कि एक नए इनका कंडेम करना, और एक नए हमारे जितने भी इस्लामिक ममालिक है, जितना इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो एक इनका पर बहिष्कार करना, इनके साथ कोई लेन देन नहीं करना। और उसके बरक्स जो है मुसलमान देश पूरे इत्तेहाद होना, और उसमें बहुत सारे एक नए मालदार देश है जो एक नए फाइनेंशियली साउंड है, ये देशों का ये भारत के जो हमारा जो बायोलेटरल रिलेशन है, मिलिट्री रिलेशन है, वो हिसाब से उन्हें करे है, लेकिन हम वो भी एक नए हमें उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। किसान संघर्ष समिति जिला बेलगाम की जानिब से हम सब लोग DC ऑफिस में जमा हैं। जमा होने की वजह यह है, जैसा कि सब आप लोग जानते हैं, फ्रांस का सदर जो इसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने वालों का सपोर्ट भी किया है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करता है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करता, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो शख्स रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में आया, जो सारे आलम का रहमतुल आलमीन है, ऐसे शख्स पर ऐसी नाज़ेबा हरकत ये लोग करते हैं, तो हम हिंदू हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे राष्ट्र से, ऐसे ममालिक से जो है अपना रिश्ता कट करें, क्योंकि आज ये इस्लाम पर बोला है, कल दूसरे धर्म पर भी बोल सकता है। तो ऐसे मलून प्रेसिडेंट के ऊपर जो हम लानत भी भेजते हैं, और हुकूमत हिंद को इंतबाह करते हैं कि ऐसे देश को जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं, चाहे वो कुछ भी, वो कोई भी, किसी भी मुल्क का राष्ट्रपति है क्यों ना हो, हम यही चाहते हैं। तो इस बात का है कि फ्रांस के वज़ीर आज़म की हिमायत हमारे वज़ीर आज़म ने कर दी है। हमें तो इतना ही मालूम है कि दोनों की, ऐसा लगता है कि दोनों की जो है ज़हनियत एक जैसी है, और ये इनकी ज़हनियत इसराइल को मैच करती है, इसीलिए जैसा इसराइल चाहता है वो वैसा लोग कर रहे हैं। कहते हैं सफाई आधा ईमान है, लिहाजा सीरत मुहिम के तहत पाकी व सफाई पर मुहिम चलाते हुए जमात इस्लामी हिंद ने बेलगाम शहर
के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच कर पाक की सफाई पर बेदारी के काम को अंजाम दिया, जिसमें जमात के शोबे खवातीन भी शरीक रही। इस्लाम में पाकी को ज़्यादा अहमियत दी गई, पर माशरे में बढ़ती बुराई और नापाकी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ मर्ज में आवाम को मुब्तला होता देखा जा रहा है। बेलगाम जमात इस्लामी की जानिब से रुक्मिनी नगर में पाकी व सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें सरकारी स्कूल की सफाई की गई, आश्रय कॉलोनी की गलियों को भी साफ किया गया। शोबे खवातीन की जानिब से घर घर जाकर सफाई व पाकी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात को समझाया गया। तकरीबन 5 से भी ज्यादा गलियों को सैनिटाइज किया गया। इस वक्त जमात के अमीर मकामी जनाब रियाज औटी, एचआरएस ग्रुप लीडर जनाब यासीन मकानदार, शोबे खवातीन यसाइवा और तमाम मेम्बरान शरीक रहे। यहाँ जमात इस्लामी हिंद बेलगाम और इसका जो सोशल सर्विस वर्क का विंग है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी एचआरएस, इसकी तरफ से आज 1 नवंबर को रुक्मिनी नगर, जो एक गरीब बस्ती है, यहाँ हिंदू मुसलमान दलित ईसाई सब रहते हैं, इसको मुंतखब करके सफाई के लिए यहाँ हम सब लोग आए हैं। हमारा मकसद यह है कि पूरे रियासत कर्नाटक में 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी तालीमात इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ भी हैं उसको आम करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ समाज में भाईचारा, मोहब्बत और सफाई की तालीमात भी फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ एक प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम सब जमा हुए हैं। रुक्मिनी नगर के मस्जिद के और मोहल्ले के ज़िम्मेदार भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हैं। हमारी ये कोशिश है कि यहाँ का जो परिसर है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहे, और इसके लिए घर घर जाकर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर क्लीनलीनेस का के बारे में अवेयरनेस पैदा किया जाए, शऊर उनके अंदर पैदा किया जाए। जमात इस्लामी के शोबे खवातीन यानी जो लेडीज़ विंग है उसके मेंबर्स भी यहाँ आए हुए हैं, और वो भी घर घर जाकर औरतों में, लेडीज़ में सफाई, अपने घर की सफाई और अपने माहौल की सफाई के बारे में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारा ताउन कर रहे हैं उनके लिए उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को झूठे मुकदमात में मुलविस करने का इल्ज़ाम, दो खातूनों ने की कमिश्नर के पास फरियाद। बहुत ही अहम मौजू, झूठे मुकदमे में बहुत ही अहम मौजू, अगर कहे तो गलत ना होगा। उमूमन यह होता है कि पुलिस इंतज़ामिया के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने से इसलिए भी डरता है क्योंकि अगर सवाल पूछोगे तो फिर किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। यह भी देखा जाता है कि सियासी पार्टियों का दबाव इंतज़ामिया पर ज़्यादा रहता है। अगर कांग्रेस पार्टी इख्तदार में रहती है तो इंतज़ामिया इख्तदार पसीर इन्हीं पार्टियों के जेर मातहत अपने फैसले लेती है, या तो फिर कई सारे मुकदमात भी दायर करने का इल्ज़ाम इन पर रहता है। अगर अब भी भाजपा इख्तदार में है तो कई बार इल्ज़ाम ये भी लगाए जाते हैं कि इन्हीं सियासी पार्टियों के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। कहते हैं इन्हीं के मातहत वर्दियां भी काम करती हैं, और ये कोई ढका छिपा नहीं है, जाहिर है, जिसकी वजह से मुकदमात गलत भी हो तो इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। पुलिस को आवाम का दोस्त कहा जाता है, और यह महकमा बनाया भी इसलिए है कि आवाम की परेशानियों को समझे और इन्हें इंसाफ दिलाए। लेकिन जैसे किसी कंपनी में सेल्स का टारगेट दिया जाता है, उसी तरह से किसी भी युद्ध त्यौहार पर इन्हें मुकदमे दायर करने का टारगेट दिया जाता है। आपको इस बात का इल्म या तजुर्बा ज़रूर होगा कि कभी पुलिस थाने में आप जाओगे तो कभी एहसान अंदाज या नरमाई से आपसे ये पेश नहीं आएंगे, और ना ही ये समझाएंगे और ना ही पूछेंगे, बल्कि हमेशा दबंगई अंदाज में ही पूछा जाता है। बड़े अफसर से लेकर छोटे कांस्टेबल तक इनका इसी तरह का अंदाज लोगों में, आवाम को ठीक नहीं रहता, जिसमें आम आवाम पुलिस की चौकट से डरता है। ताज्जुब तो इस बात का लगता है कि असल मुजरिमों को पकड़ने के बजाय पहले जिन पर मुकदमे दर्ज किए हैं इन पर ही दोबारा फिर से किसी ही त्यौहार के बहाने
107, 111 या दिगर दफाएं लगाकर इन्हें हिरासत किया जाता है। और ये भी हकीकत है कि जो पहले भी मुकदमे थे उसमें भी कई बार सच्चाई नहीं रहती, ये किसी तासुब से या तो किसी के कहने पर ये मुकदमे दायर करते रहते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं रहती। लिहाजा इन्हीं को एक बार फिर बुनियाद बनाकर केसेस दिए जाते हैं। अहम बात यह भी रहती है कि सियासी लीडरों का दखल इसमें ज़रूर रहता है। अब जब आवाम की जानिब से बार बार फरियाद की जाती है कि झूठे मुकदमात में फंसा कर कई पुलिस थानों के CPI अपने हाथ भी गीले कर लेते हैं, आला अफसरों को चाहिए कि कहीं तो झूठे मुकदमात के सिलसिलों को बंद किया जाए, अवाम के अंदर पुलिस को लेकर एक भरोसा दिलाया जाए, अवाम का दोस्त होने का इत्मीनान हो सके, वरना यूं ही खाकी वर्दी सफेद खादी के हाथों दागदार होती रहेगी। इत्तेहाद न्यूज़ गुजारिश करता है कि अगर कोई मुजरिम है इस पर जरूर कार्रवाई हो। गुनाहों को रोकने के लिए मुजरिमों को पकड़ना जरूरी है, पर मुजरिमों की आड़ में बेगुनाह पर अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो यकीनन माशरे में वर्दी को लेकर गलत पैगाम जरूर जाएगा। बेगुनाहों पर मुकदमे दायर करने वाले या किसी सियासी लीडर के कहने पर मुकदमे दायर करने वालों पर कमिश्नर जैसे आला अफसर कार्रवाई करे ताकि आम आवाम को खाकी वर्दी वाकई में अपना दोस्त लगने लगे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।